समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है, और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं। मैं कहता हूं यह वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मनसा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है, और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं। मैं कहता हूं यह वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मनसा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से